अशोकनगर जिले के शाहडोरा थाना क्षेत्र के ग्राम बायंगा में अपने रिश्तेदारों के साथ खेत पर बने तालाब पर नहाने गए 12 वर्षीय एक बालक की पानी में डूबने से मौत हो गई। बालक के शव को भोपाल से आई एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर तालाब से बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार ग्राम बायंगा निवासी पारस अपने रिश्तेदारों के साथ गाँव के बाहर अपने खेत में बने तालाब पर नहाने गया था। नहाते समय पारस तालाब में काफी अंदर चला गया और तैरना न आने की वजह से वह तालाब में डूब गया। पारस के काफी देर तक तालाब से बाहर नहीं आने पर रिश्तेदारों ने नजदीक में फसल कटाई कर रहे पारस के परिजनों को इसकी सूचना दी। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने अपने स्तर पर पारस की तलाश पानी के अंदर की, लेकिन एक घंटे के प्रयासों के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगने पर परिजनों ने थाने में इसकी सूचना दी, जिस पर स्थानीय थाना प्रभारी पीपी मुदगिल के नेतृत्व में पहुंची पुलिस दल ने स्थानीय लोगों की मदद से बालक को पानी से निकालने का प्रयास किया। इसी बीच पुलिस की सूचना पर जिला मुख्यालय से आपदा प्रबंधन की टीम घटना स्थल पर पहुंची, मगर अंधेरा हो जाने के कारण आपदा प्रबंधन की टीम को भी बच्चे को खोजने में सफलता नहीं मिली। उसके बाद पुलिस की सूचना पर भोपाल से एनडीआरएफ की टीम बायंगा पहुंची। टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर 15 मिनट के अंदर ही पारस को खोज निकाला। के नाती पारस यादव जिसमें खेतों में तालाब में डूब गया था, उसकी जैसे ही ढंग से करीब सूचना मिली तो तत्काल यहाँ से पुलिस बल के साथ रवाना होकर पहुंचे। स्थानीय लोगों के साथ उसका रेस्क्यू किया, लेकिन वो नहीं निकल सका। इसके बाद में जिला आपदा प्रबंधन की टीम आई, उसने भी रेस्क्यू किया काफ़ी देर रात तक, लेकिन उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर देर रात श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से फोन से चर्चा करके तो श्रीमान एसपी साहब ने डीआईजी महोदय आपदा प्रबंधन से बातचीत करके भोपाल से एसडीआरएफ की टीम को भेजा, जिन्होंने लगभग 11 बजे दिन में आकर के 15 मिनट के अंदर रेस्क्यू करके बालक को पारस को मृत शरीर को उसमें से निकाल करके सफलता प्राप्त की, जिसका पोस्टमार्टम हमारे द्वारा करा दिया गया। अशोकनगर से ईएमएसजीवी के अर्पित रघुवंशी की रिपोर्ट।